बिटसेट 2023 के फर्स्ट अटेम्प्ट के लिए अब हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है, और यहाँ पे यार आपको अच्छे से जो है चीजों को प्लान करना होगा ताकि आप बिटसेट के अंदर एक अच्छा स्कोर ला पाओ। तो इस वीडियो में हम आपके लिए कंप्लीट प्लान लाए हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट जो है यहाँ पे फुल भी स्कोर कर सकता है आपकी केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि केमिस्ट्री एक ऐसा सेक्शन है जो कि आपके बिटसेट में काफी ज्यादा स्कोरिंग रहता है, और ये आपको जो है आपका कैंपस चेंज करा सकता है, आपकी ब्रांच भी चेंज करा सकता है। तो इस सेक्शन को जो है हमें इग्नोर नहीं करना है। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैं आपको केमिस्ट्री के पेपर से रिलेटेड बताना चाहूंगा बिटसेट एग्जाम में, कि देखिए जो आपका लेवल ऑफ क्वेश्चन रहता है दैट जनरली लाइज बिटवीन इजी टू मॉडरेट, और जो आपके मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चन रहते हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं। ये चीज आपके ब्रोशर में भी मेंशन्ड है कि जो आपका सिलेबस रहेगा ना वो प्रॉपर एनसीईआरटी ओरिएंटेड रहेगा। तो एनसीईआरटी को जितने अच्छे से आप कर सकते हो उतने अच्छे से करिए। और ये जो आपका केमिस्ट्री है ये मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका अमंग पीसीएम, तो यहाँ पे हमें पूरा ट्राई करना है कि यार जितना मैक्सिमम आप स्कोर ला सकते हो उतना ले आओ। और कुछ स्टूडेंट्स तो ये रहते हैं कि वो फुल भी स्कोर कर लेते हैं अगर उनकी प्रिपरेशन डिसेंट है। और यहाँ पे ये जो सेक्शन रहेगा ये आपका ज्यादा मतलब थ्योरेटिकल साइड पे पड़ेगा न्यूमेरिकल के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हमें ट्राई करना है कि जब कैलकुलेशन कम ही है या फिर आपका जो है कुछ क्वेश्चंस में ना के बराबर है तो हम जितना जल्दी इस सेक्शन को कंप्लीट करें उतना बढ़िया रहेगा। अब देखो बिटसेट एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हो तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कोर्सेस हमने आपके लिए लॉन्च किया है जो कि आपके प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पे क्रैश कोर्स आपके लिए रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिसमें हर एक वो रिसोर्स प्रेजेंट है जो कि आपको बिटसेट में एक अच्छा स्कोर दिला सकता है। साथ ही साथ आपका एलआर इन इंग्लिश का जो है यहाँ पे बैच लॉन्च है, और यहाँ पे आपके जो है मॉक टेस्ट अवेलेबल है जो कि आपको जरूरी है बिटसेट के लिए देना, और भी कुछ आपके एक्स्ट्रा पैकेजेस अवेलेबल है। तो हमारी वेबसाइट टेंक्यू चैलेंज पे एक बार जरूर विजिट करिए और इन रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। अब देखिए अगर हम यहाँ पे आपका जो है सेक्शनल वेटेज की बात करें कि ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और फिजिकल का लगभग कितना वेटेज रहता है, तो मोस्टली आपका इक्वल में ही पड़ता है ये वेटेज। ऑर्गेनिक का जनरली जो है आपका थोड़ा हायर साइड पर रहता है, 35-40% के आसपास जो है हमें वेटेज देखने को मिल जाता है। फिजिकल की बात करें तो इसका वेटेज आपका जो है 30-35 के आसपास रहता है, एंड इनऑर्गेनिक का आपका 30% के आसपास रहता है। तो ये मेरे हिसाब से आपको एक क्लियर पिक्चर दे रहा होगा कि यार तीनों ही सेक्शन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और जब भी आप उसे करने बैठ रहे हो तो ऑर्गेनिक के सारे जो है प्रॉपर तरीके से करो, फिजिकल के प्रॉपर तरीके से करो, और इनऑर्गेनिक के जो है चैप्टर्स को अच्छे तरीके से करो। अब देखो अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए यहाँ पे आपको समझने होगा कि कौन से आपके हाई वेटेज चैप्टर्स रहते हैं बिटसेट एग्जाम में, ताकि आप उनको ज्यादा प्रायोरिटी दे पाओ, देन आप जो है सेकेंड प्रायोरिटी पे मूव करो और फिर जो है आगे के चैप्टर्स देखो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो प्रायोरिटी वन के आपके चैप्टर्स हो जाते हैं दैट आर आइसोमेरिज्म, जीओसी, हाइड्रोकार्बन, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। ये ज्यादातर देखा गया है कि बिटसेट एग्जाम में इन टॉपिक्स का आपका काफी ज्यादा वेटेज रहता है। इसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज जीओसी। जीओसी से आपके जो है एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि 2-3 क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पड़ जाता है। देन यहाँ पे अगर हम प्रायोरिटी टू पे बात करें तो दैट इज नॉमेनक्लेचर, एरोमेटिक कंपाउंड्स, और यहाँ पे आपका एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो पहले प्रायोरिटी वन चैप्टर्स पे पूरी तरीके से फोकस करो, एनसीईआरटी से उन्हें अच्छे तरीके से कंप्लीट करो। कुछ अगर आपको चीजें दिक्कत आ रही है तो थोड़े बहुत आप अपने जो है नोट्स को रेफर कर सकते हो अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, या फिर जो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, यूट्यूब पे भी आपके लिए काफी ज्यादा फ्री रिसोर्सेस अवेलेबल है। देन प्रायोरिटी टू पे जो है चैप्टर्स पे आओ, फिर उसके बाद अगर ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो प्रायोरिटी थ्री पे मूव करो। इनमें आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हेलोजन्स हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये वाले चैप्टर्स, और यहाँ पे आपका जो है पीओसी यानी कि प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कि यार जो आपके लास्ट के चैप्टर्स रहते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले, इनको जो है आपको मतलब चीजों को रटना होगा क्योंकि इसमें काफी ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें दी है, तो इनके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार आप लिख लो। और एनसीईआरटी से बाहर चीजें जनरली नहीं पूछी जाती है, कुछ एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कभी कभी डाल दिए जाते हैं जो कि ऐसा रहता है कि बायोलॉजी बेस्ड लगता है या फिर जनरल केमिस्ट्री बेस्ड, तो उसके लिए तो यार ऐसा है कि किस्मत रहेगी, अगर आपको उसका आंसर आता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना ही बेहतर रहेगा। नहीं तो ज्यादातर मेजोरिटी ऑफ चीजें आपकी एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाली है। ये चीज हो गई। अब कुछ चीजें जो कि आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली चीज ये कि यार आपको नेम रिएक्शन सारी अच्छे से पता होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जितनी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो कि रहती है उसके अलावा वो आपको पता होनी चाहिए, जिसमें आपकी डिटेल्स आपको पता हो कि ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, एलिमिनेशन हो रहा है, कोई आपका इंटरमीडिएट तो इन्वॉल्व नहीं है, कार्बोकैटायन और ये सब फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इंपॉर्टेंट ट्रेंड सारे पता होने चाहिए, स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है,
फिर एसिडिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर, ये जनरली जो है क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। फिर जितने भी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो है आपके आ रहे, स्पेशली जो कि मैं अभी चैप्टर्स बता रहा था ना आपको, बायोमोलिक्यूल्स, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पॉलीमर्स, यहां से स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछ लिए जाते हैं, तो उनको जो है आपको अच्छे तरीके से करना है। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जितने भी हैं उनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, इस तरीके से जो है आपका दिमाग में सेट होनी चाहिए। उनके अगर यूजेस आपको दिए हैं एनसीईआरटी में मेंशन, तो वो चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन इस टाइप के आपके बन जाते हैं। अब अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे बढ़े, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपका प्रायोरिटी वन पे सेट होने चाहिए वो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर, ठीक है। ये आपका मतलब ये मान के चलिए कि यहाँ पे जो है आपके एक से ज्यादा ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन, बॉन्ड ऑर्डर, डाइपोल मोमेंट काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर हम बात करें, तो इससे भी जो है आपके मल्टीपल क्वेश्चंस कभी कभी देख लिए जाते हैं। वैसे तो सेट टू सेट डिपेंड करती है चीजें। फिर यहाँ पे नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, एप्लीकेशंस जो है आपके, और सीएफटी यानी कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। पीरियोडिसिटी जो है उस चैप्टर को भी आपको प्रायोरिटी वन पे रखना है, क्योंकि क्या होता है उसमें जो है ट्रेंड बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, या फिर ऐसी चीजें रहती है जो कि आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक से पहले पता होनी चाहिए, तो वो टाइप के क्वेश्चन आपके जो है पूछ लिए जाते हैं। इसलिए पीरियोडिसिटी को तो प्रायोरिटी वन पे ही पढ़ना है। अब बात करें प्रायोरिटी टू पे, तो फिर जो आपके बचे हुए चीजें उन पे चले जाइए, हाइड्रोजन, एस ब्लॉक, फिर यहाँ पे पी ब्लॉक ग्रुप 13, 14, पी ब्लॉक ग्रुप 15, 16, इन पे जो है आप वर्क करिए, और लास्ट में जो है पी ब्लॉक 17, 18, डी एंड एफ ब्लॉक, और क्वालिटेटिव एनालिसिस देखिए। तो ये जो है आपका प्रायोरिटी इस हिसाब से सेट करिए। अब इनऑर्गेनिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सबको आपको एक कॉपी पे नोट डाउन कर लेना है, जितनी बार उस कॉपी पे नजर पड़ जाए उतना ही बेहतर है, ठीक है। आप एनसीईआरटी में भी मार्क कर सकते हो, कलर पेन से कुछ चीजें लिख सकते हो जो कि आपको ज्यादा टाइम तक याद रहे, तो उसमें आपको हेल्प मिलेगी। सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स आपको पता होने चाहिए, स्पेशली मैं कह रहा हूँ पीरियोडिसिटी चैप्टर को जो है बहुत अच्छे से समझ लोगे तो आपको ब्लॉक केमिस्ट्री में काफी हेल्प मिलती है। देन यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशली मैं अगर मैं बोलूँ तो पी ब्लॉक से ज्यादा पूछे जाते हैं, तो ये आपको अच्छे से पता होने चाहिए। और इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन वही चीज कहूंगा, कमर्शियल, लेबोरेटरी प्रिपरेशन, ये पूछ लिए जाते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि भाई इसमें से सबसे ज्यादा जो है हमें मतलब यील्ड किस में मिलेगी, किस रिएक्शन में मिलेगी, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यहाँ पे जो है आप याद रखिए। देन केमिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अलग से जो है आपको समझ में आने चाहिए। कंपाउंड के कलर्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछ लिए जाते हैं, तो ये जो है इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करें अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री की, तो प्रायोरिटी वन पे आपके ये चैप्टर्स जो है अच्छे तरीके से हो जाने चाहिए, थर्मोकेमिस्ट्री, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये प्रायोरिटी वन के हमारे चैप्टर्स है। प्रायोरिटी टू पे जो है ये वाले आपके चैप्टर्स हो गए, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, गैसियस स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री एंड रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे इस हिसाब से जो है आपको वर्क करना रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। अब इंपॉर्टेंट चीजों पे अगर हम ध्यान दें, तो यहाँ पे आपको सारे फॉर्मुलेस पता रहने चाहिए, कुछ डायरेक्ट फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन हमें फिजिकल केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं, और बचे हुए जो है आपके थ्योरेटिकल रहते हैं, ठीक है ना। तो फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि सारे न्यूमेरिकल डाल दिया जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, और जितने भी सॉल्व एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिए हैं उनको अच्छे से कर लेना, और जब भी यार कैलकुलेशन करते हो अप्रोक्सीमेशन लेना सीखो केमिस्ट्री के अंदर, क्योंकि यहाँ पे आपके लॉग और ये सब जो है इन्वॉल्व रहते हैं कभी कभी, या फिर क्यूब करना पड़ जाए, ठीक है ना। तो इनमें थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लो, आपको ऑप्शन जनरली दूर दूर देखने को मिलेंगे, और इन क्वेश्चन को ट्राई करना है कि लास्ट में अटेम्प्ट करो, मतलब जो आपके न्यूमेरिकल वाले हो गए, क्योंकि उसमें क्या है आपको ज्यादा टाइम लगेगा, तो उनको अगर हम लास्ट में अटेम्प्ट करते हैं तो हमारे पास जो है शुरू में कॉन्फिडेंस भी गेन हो जाएगा और टाइम ज्यादा से ज्यादा हम सेव कर पाएंगे। देन यहाँ पे अगर हम जो है सोर्सेस की बात करें कि यार क्या सोर्सेस आपको रेफर करना चाहिए ताकि आप इन चीजों को कंप्लीट कर पाओ, तो देखो एनसीईआरटी को आपको ट्राई करना है, कम से कम 2 बार पढ़ लो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, ठीक है। और एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स आपको जो है अच्छे से लगा लो, और जेई मेंस के जो पीवाईक्यूस है आपके 2019 से लेकर 2021 तक के, वो अगर आप कर लेते हो तो यार मतलब आपकी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। अब आपको लग रहा होगा कि मैं जेई मेंस के क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, जबकि आपके जेई मेंस के तो यार काफी लेवल हाई रहता है, बट देखिए केमिस्ट्री में जो है 2019 से 2021 के अगर आप पेपर्स देखो ना, तब केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा कम ही रहता था, तो उनसे क्या हमारी प्रैक्टिस होंगी, और जब ज्यादा लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो फिर ईजी तो बन ही जाते हैं। तो अगर टाइम आपको मिल रहा है तो ये पीवाईक्यूज भी ध्यान से लगा लीजिए, क्योंकि देखिए बिटसेट के हमारे पास पीवाईक्यूज अवेलेबल नहीं होते, ऑफिशियली कभी भी रिलीज नहीं हो सकते, और ऑनलाइन जो है वो आपके यहाँ पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो यही चीज है कि यार आप जो है जेई मेंस के पीवाईक्यूज लगा लो, बाकी मॉक टेस्ट से तो चीजें सीखनी है, ठीक है ना। तो अगर आपको कहीं पे भी प्रॉपर मॉक टेस्ट नहीं मिल रहे तो आप हमारी वेबसाइट पे जरूर चेक कर सकते हैं,
क्योंकि इतने मतलब रेलिवेंट मॉक टेस्ट आपको शायद कहीं नहीं मिलेंगे। अब देखिए यार, अगर आप तैयार है कि बिटसेट में आपको एक अच्छा स्कोर लाना ही लाना है, तो फिर कमेंट सेक्शन में एक चीज जरूर मेंशन करिएगा, बिटसेट फोड़ेंगे। ये लिखने से यार आपको भी मोटिवेशन मिलेगा और कभी भी आप अपनी राह से नहीं भटकोगे, ठीक है? तो यहाँ पे यार प्रॉपर तरीके से एम करो और बिट्स पिलानी आपका हो सकता है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।